ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब चीजों का कनेक्शन उन लोगों के साथ है जो उस रात पार्टी में थी। हर्ष, मैं यहाँ मल्लिका को ढूंढने आई हूँ और राघव प्रिया को। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम क्यों फंसे हो इन आत्माओं के चक्कर में? फिर भी सपना। कौन थे वो दोनों? वो दोनों बार बार मेरे सपनों में क्यों आते हैं? कुछ तो मतलब होगा इस सपने का जो बार बार मुझे आता है। न जाने कब जान सकूंगा। हेलो डैड, आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको फिर से फोन करता हूं। Thank you.
303 आकर है क्या? कोई पेज नंबर, कोई कोड नंबर, किसी बैंक के लॉकर का नंबर, या फिर कोई फोन नंबर? नहीं अम्मी, 3 नंबर का फोन नंबर कैसे हो सकता है? पर आता तो फोन पे ही है ना? हाँ, कैसे हो सकता है? लेकिन ये कौन फोन कर रहा है और क्यों? हम लोग जहाँ थे, वहीं पे अटक गए। हेलो, जयेश की मौत हो गई। क्या? जयेश की मौत हो गई? कैसे? एक्सीडेंट हो गया था। हम सब भी मारे जाएंगे, सबके सब। प्रीतेश, रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर रहो, हम तुम्हें वहां के मिलते हैं। ठीक है। हमें शांति कुंज जाना होगा। ये अच्छा किया तुमने, ठीक किया कि तुमने फोन का जवाब नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पे किसी को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी परेशान क्यों है? स्मृति, अब फोन उठाओ। स्मृति, फोन उठाओ। Ha 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 ha!
हेलो मैं तू मैं तू मरने वाले अरे नहीं रिलैक्स रिलैक्स मैं नहीं मरूंगा मुझे कुछ नहीं होगा अंकल जी मैं मरने वाला है क्या मैं तुम्हें काम करो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम घर पे अकेले मत रुको अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चले जाओ देख पापा को मत डरा मैंने बस तेरे फोन में अपने नाम की जगह 303 डाला था बस बस और कुछ नहीं मयंक की ये कैसा मजाक है हाँ तुम्हें सर पे शर्म नहीं आती अंकल जी वो मयंक ठीक है वो बस ऐसे मजाक मुझे फोन दो हेलो मयंक 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 बिना माँ मैं कितना डर गई थी अम्मा ये अब हर्ष राघव और यामिनी नमस्ते आंटी नमस्ते आंटी नमस्ते हर्ष हमें जयेश के घर जाना था ना स्मृति हमें चलना होगा हम तुमसे बाद में मिलते हैं बाय बहुत डर गई थी तीन लोग मारे जा चुके हैं लेकिन वो अभी भी हमें नहीं मिला पता नहीं कब रुकेगा पहले ये पता तो चले कि 303 है क्या एक आत्मा है तो लोगों को सीधे सीधे मार क्यों नहीं देती पहले फोन का इस्तेमाल करती है फिर टीवी का फिर लोगों को आग से मारती है कोई तो मतलब जरूर है इन सब बातों का क्या हुआ एक मिनट तीन सौ सात राघव हाँ ईशान का विला नंबर क्या है 310 और सोफी का 305 और जयेश का है 306 उसका मतलब ये हुआ कि 303 नंबर का विला यहाँ पर जरूर होगा भाई तुम ठीक तो हो ना हाँ मैं ठीक हूँ पापा अरे लेकिन ठीक हो तो ऐसा मजाक क्यों करते हो तुम हम लोग कितनी परेशानी में आ गए भाई कैसा मत किया करो प्लीज ये क्या है भाई मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ टीवी में तुम जलते हुए दिखाई दे रहा हूँ मैं लगता है कोई आ रहा है
वॉलंटियर्स हैं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से। हम आपका घर चेक करना चाहते हैं। भाग जाओ, भाग जाओ। देखिए, हमें आपका घर चेक करना है। मेरा घर चेक करने की हिम्मत? हम सिर्फ आपका घर चेक करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, नहीं देख सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। बहुत खूबसूरत घर है आपका, जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, चले जाओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना तुम। पर इस घर की हालत ऐसी क्यों है? चुप करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमें बताइए, इस घर की हालत ऐसी क्यों है? मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, चली जाओ। वही नंबर 303। मैंने इस फोन से अपने मोबाइल पर फोन किया था। इसका मतलब ये कि 303 यही है। अब तुमने शुरू कर दिया है। हर्ष, तुम्हारा फोन तो अभी भी नहीं आया। तो वो तुम हो जो सारे लोगों को मार रहे हो। मैं? तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन हो तुम? और इस फोन को बंद करो। मैं कहता हूं इस फोन को बंद करो अभी। नहीं, फोन बंद नहीं होगा। ये कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा। फोन बंद नहीं होगा। अब वही बंद कर सकता है। वो एक बार आ गया है, वो फिर आ गया है। फोन बंद नहीं होगा। ये कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा। फोन बंद नहीं होगा। अब वही बंद कर सकता है। वो एक बार आ गया है, वो फिर आ गया है। वो कौन? फिर आ गया है। हम पूछ रहे कौन है वो? वो फिर से आ गया है, मेरा भाई प्रशांत आ गया है, मेरा भाई। कहाँ है वो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? मेरा भाई मर गया। तेरा भाई मर चुका है। कब मरा वो? 2 साल पहले। कैसे? कैसे? पहले किसी ने भी जरूरत नहीं समझी ये पूछने की कि मेरा भाई कैसे मरा। पहले ही सही, आपको हमें बताना ही होगा कि आपका भाई कैसे मरा। एक रात दिवाली से पहले हमारा ये घर जल गया। मेरी भाभी व्हील चेयर पर जल कर मर गई थी। मेरे साथ के दोनों बच्चे आग में झुलस कर मर गए। प्रशांत चिल्लाता रहा, चीखता रहा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कॉलोनी की किसी ने उसकी मदद नहीं की। मेरा भाई मार गया, वो कुछ नहीं कर सका, इसलिए आग में कूद गया।
और मेरा भाई भाई मेरा भाई मर गया। अभी भी मिलती है अपने भाई से? हाँ मिलती हूँ, मिलती हूँ। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। यामिनी, उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। मदद मांगने पर भी इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो बदला ले रहा है इस कॉलोनी के बच्चों को मारकर। घर के सारे कमरे चेक कर लिए, कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय एक कमरे के जो बंद है, क्योंकि वो वहां सोता है। तुम्हारा फोन भूल कर आए थे तुम। तुम उठाते हो या मैं उठाऊं? हेलो 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 स्वीटी, तो क्या बात? हर्ष हर्ष, मैं यहाँ 303 के बेसमेंट में हूँ। क्या तुम 303 में? लेकिन कहाँ? यहाँ पर सब जलाने का सामान पड़ा हुआ है, केरोसिन, माचिस, पटाखे, कागज, माचिस, केरोसिन। स्वीटी, तुम जानती हो कि तुम हो कहाँ? हर्ष, यही वो कमरा है। हेलो हेलो। सब मरेंगे, सब मरेंगे। Yamini!
यामिनी, 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 ठीक तो है? हाँ, लेकिन बेहोश कुछ रिकॉर्ड हुआ? चेक करता हूँ। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। Thank you.